मैं क्या करूं इंदु? दीदी तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैंने क्या किया? यही तो बात है कि तू कुछ करता ही नहीं, देख नहीं रहा बहू का चेहरा कितना उदास है, तू उसके चेहरे पे जरा हंसी नहीं ला सकता? दादी मैं रॉकस्टार हूँ, कोई जोकर नहीं। नहीं है तो बन जाना, कुछ भी बन, पर मेरे बहू के चेहरे पे हंसी जरूर लेके आ, वरना वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। क्या है अब उसे हंसाने के चक्कर में कौन सा रायता फैलाऊं? क्या करूं, डांस, स्टैंड अप कॉमेडी या गाना? हाँ गाना गाता हूं। नहीं यार ये गाना सुन के किसे हंसी आएगी? मेरा सब बोर हो रहे हो ना? हाँ मैं भी बहुत बोर हो रहा हूं। चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं और जो सही जवाब देगा ना उसे मैं टिम्बक्टू भेजूंगा। हाउ इज दैट? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। सर क्या तरीका अपनाऊं जिससे अभी के दिमाग से तनु के नाम का कंफ्यूजन ही चले जाए, क्योंकि जब तक वो तनु उसके दिमाग में रहेगी ना वो प्रज्ञा दी के बारे में सोचेगा ही। वैसे भी अब ये सब तो मुझे अकेले ही करना, काश कि तुम मेरे साथ होती बुलबुल, तुम्हारे बिना मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। इस वक्त कौन है? आलिया तुम अदा नहीं बुलाओगे? कम ऑन चलो 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 कम ऑन कम ऑन रेडी रेडी हो जाओ, बाहर जा रहे हैं। बाहर बाहर मतलब? बाहर मतलब बाहर, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? पूरा बाहर जाएंगे, चिल करेंगे, मस्ती करेंगे, फ्रेश एयर लेंगे एंड वी विल एंजॉय। कम ऑन गो 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 गेट रेडी। आलिया मुझे कहीं नहीं जाना। आलिया मैं बाहर नहीं जा सकता, आई एम जस्ट नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। ऐसे में मैं बाहर कैसे जा सकता हूं? मैं घर पे ही खुश हूं। लिसन तुम किस हालत से गुजर रहे हो मैं अच्छे से जानती हूं, तुम्हारी दोस्त हूँ एंड आई अंडरस्टैंड यू एंड आई एम कंसर्न्ड फॉर यू। और वैसे भी बाहर जाने का प्लान मेरा नहीं, बुलबुल का है। बुलबुल का? हाँ बुलबुल का। पता है कल रात मेरे साथ क्या हुआ? कल रात जब मैं सो रही थी तब बुलबुल मेरे सपने में, और उसने मुझे बोला वो भी एकदम डांटते हुए कि आलिया तुम पूरब की दोस्त हो, तुम्हें उसे बिल्कुल भी उदास नहीं होने देना है, उसे अकेला नहीं छोड़ना है, उसे हमेशा खुश रखना है, उसका ध्यान रखना है। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं बुलबुल की बात ना मानूं तो ठीक है, नहीं जाएंगे कहीं। आलिया ऐसी बात नहीं है, मैं बाहर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि क्योंकि जो उसकी विश है वो मैं पूरी करना चाहता हूँ। वो चाहती थी कि उसकी वो विश मैं उसकी शादी से पहले पूरी करूँ, और अब तो वो बुलबुल है भी नहीं, मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। दिस फीलिंग टू हेल्पलेस आलिया, समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू पूरा, मेरे होते हुए तुम अकेले कैसे महसूस कर सकते हो? आलिया मेरा नाम है मेरा, ओके आई कैन डू एनीथिंग, तो मुझे बोल के तो देखो, एटलीस्ट गिव मी अ चांस यार। आलिया तुम नहीं कर पाओगी। व्हाट डू यू मीन बाय मैं नहीं कर पाऊंगी? एटलीस्ट एक बार कोशिश तो करो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कर सकती हो तो सुन, उसकी विश ये थी कि प्रज्ञा दी और अभी के बीच में सब ठीक हो जाए, उनके बीच में सिर्फ शादी का नहीं प्यार का भी रिश्ता। तुम बताओ क्या तुम ये कर सकती हो? आलिया मैं जानता था कि तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम तनु की दोस्त हो। आलिया तनु भी अभी से प्यार करती हो और तुम तनु के साथ ऐसा नहीं करोगी, मैं जानता हूं। सो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, और अगर मैं ये काम पूरा नहीं कर पाया ना तो मैं समझ लूंगा कि मैं अपने प्यार के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। अगर मैं भाई और प्रज्ञा भाभी को एक कर दूं तो क्या तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल जाएगी? बुलबुल की खुशी में ही मेरी खुशी। बुलबुल कैसी आप? कोई चिंता की बात तो नहीं ना? वो अब रिकवर हो रही हैं, बट इट विल टेक सम मोर टाइम।
वो जितना ज्यादा आराम करेंगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, अगर बात आराम की है तो घर से ज्यादा आराम तो उसे कहीं नहीं मिल सकता। हम उसे घर ले जा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा करने के लिए मैं एडवाइज नहीं करूंगा। इसमें रिस्क है क्योंकि पेशेंट को किसी भी वक्त नर्स या डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है और घर पर ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहब, एक माँ से ज्यादा बच्चे का ध्यान और कौन रख सकता है? दोनों बच्चों को अकेले मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। जब चोट लगती थी ना तो मरहम पट्टी खुद ही की है, और बुखार आने पर रात भर बैठ के पट्टियां भी। मैं जानती हूँ कि आप अपने मरीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन एक माँ भी अपने बच्चे का ध्यान रखने में कमी नहीं करेगी। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन जो काम एक ट्रेंड नर्स कर सकती है वो आप नहीं कर पाओगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कब बदलनी है, ड्रेसिंग कब करनी है, इंजेक्शन कब देना है, बीपी पल्स रेट का रिकॉर्ड रखना, ये सब आपसे नहीं होगा। सो प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन डॉक्टर, जो ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज आप बुलबुल को यहाँ दे रहे हैं, अगर वही हम घर पर दे दे तो उसे डिस्चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हम एक 24/7 नर्स रख लेंगे जो बुलबुल का ख्याल रखेगी, वो जो पल्स ब्लड प्रेशर सब कुछ चेक कर लेगी। वेल इन दैट केस आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आप उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते उन्हें चेकिंग के लिए यहाँ लेकर आइए। वैसे डॉक्टर, एक और चीज, वो कहते हैं ना कि माँ का प्यार दवा जैसा असर करता है, लेकिन अगर माँ के हाथ से दवा ना मिले तो वो बिल्कुल असर नहीं करता। इज दैट ट्रू? वेरी ट्रू। बाय द वे, आप सब फॉर्मेलिटीज कर लीजिए और डिस्चार्ज करवा लीजिए। थैंक यू। सच में बेटा जी, आपने तो इतने एहसान करोगे आप मुझ पे, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके एहसान कभी चुका सकती। अगर बुलबुल यहाँ रहती और मैं वहाँ घर पे ना, तो मैंने ही बीमार पड़ जाना। आज तो मन से बस आपके लिए दुआएं निकल रही हैं। जीता रहे मेरे बच्चे, तू 100 साल से भी ज्यादा जी। तेरे जैसा दूसरों का दुख समझने वाला कोई नहीं हो, इसलिए तो तू रॉक स्टार कहलाता है। रॉकस्टार से याद है, ये चश्मा पहने तो क्या है ना, बुलबुल के चक्कर में रात भर सोया नहीं, इसलिए आंखें सूज गई है, लोग क्या कहेंगे। थैंक गॉड प्रगति आप आ गई। हां, लेकिन इतने ऐसा अचानक किस लिए बुलाया? आप अंदर तो आइए पहले। प्रगति, बात ही कुछ ऐसी है, वो फाइनेंसर मुझे बार बार आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं। किस लिए? प्रगति आप पहले बैठिए ना प्लीज। सर, प्रगति वो जो फाइनेंसर है ना, वो आपके साथ प्रोमो शूट करना चाहता है। मैं? वो पागल तो नहीं हो गया? उसे प्रोमो शूट करना है तो तुम्हारे फ्रेंड को फोन करे, मुझसे क्या बात करनी है? दी, मैंने भी उसे यही कहा था कि अभी से बात करे, पर वो चाहता है कि आप उसका प्रोमो शूट करें, क्योंकि वो फैंस को दिखाना चाहता है कि अभी अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है, अपने फैंस से कितना प्यार करता है। और प्रगति, अगर आपने ये प्रोमो शूट किया ना तो ये प्रोमो शूट बहुत बड़ा हिट हो जाएगा, एल्बम भी बहुत बड़ी हिट हो जाएगी, और अभी ना पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरे ये प्रोमो शूट करने से उन्हें सक्सेस मिलेगी? जी, इतनी सक्सेस मिलेगी जो अभी को ना पहले कभी नहीं मिली। आर यू सीरियस? पूरब, तुम्हें पता है मैं ढंग से फोटो भी नहीं खिंचवा पाती, मुझे इतनी शर्म आती है, तो वीडियो कैमरा होगा ये। और बुलबुल, पूरा बुलबुल की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, मैं ये सब करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? और देखो, मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त को ना ये सब अच्छा नहीं लगेगा और वो खुद बहुत गुस्सा करेंगे। क्या दी, मैंने भी उसको इसलिए मना किया था यही सब सोचते हुए कि वो आपसे बात ना करे, पर फिर ना मुझे बुलबुल की बात याद आई। बुलबुल चाहती है ना कि आप और अभी साथ में रहे, और आप दोनों के बीच में सिर्फ शादी का नहीं प्यार का भी रिश्ता, तो इसलिए आपको प्रोमो शूट करना पड़ेगा। बुलबुल की बात का मेरे प्रोमो शूट करने से क्या कनेक्शन? अरे दीस, इतना डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको याद है जब हमने आपको छुपा दिया था तो अभी आपको कैसे ढूंढ रहा था, कितना मिस कर रहा था आपको, ये सब तो हमने देख लिया। पर दी, अब हमें ये देखना है कि जब आप किसी और लड़के के साथ एड शूट कर रहे होगे तो अभी कैसा फील करेगा? जलस तो नहीं फील करेगा? और अगर वो जलस फील कर रहा हो ना तो पता चल जाएगा कि उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। इससे दी, आपको एड शूट करना पड़ेगा, प्लीज यू जस्ट हैव टू डू इट। वो
वो तनु को ही ले ले। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।